अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार सानी। सुनो मेरी कहानी, आपकी यादों का हम सफर एक दफा फिर हाजिर। तो चले आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको अपनी फेवरेट प्लेस पर लेके जाऊंगा। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, वहां से मुजफ्फराबाद का व्यू माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इतना खूबसूरत व्यू है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, बाइक निकालूंगा, तो आप मेरे साथ रहें। फ्रेंड्स, बाइक मैंने रोड पे खड़ा कर दिया है, यहाँ से आगे बाइक नहीं जाता तो पैदल जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ही है और रास्ता बहुत मुश्किल था, दुश्वार रास्ता है। यहाँ से बंदा जो है ना बड़े एहतियात से चले, क्योंकि रास्ता ये देखें बहुत तंग रास्ता है। ये रास्ता है जी, ये ठीक है। ये वो पीछे तक जाना, वो सामने रोड आपको नज़र आ रही होगी, मैंने बाइक वहाँ पर खड़ा किया है और वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसा व्यू है। मैं खुद पहली दफ़ा आ रहा हूँ, आपको आगे चल के व्यू भी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। हाँ तो जी नाज़रीन, अगर आपने इस पॉइंट पर आना है, इस पार्ट पर आना है, अगर आपने भी ऐसा व्यू देखना है, तो आपको इस मुश्किल रास्ते पर चलना होगा, इस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल रास्ता है, यहाँ से आप गिर भी सकते हैं, तो बड़ी एहतियात से गुजरना, क्योंकि बिल्कुल जो है ना सिंगल बंदे का रास्ता है और रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आगे जाके आपको इतना खूबसूरत मंजर दिखाऊंगा, तो मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ तो बड़े एहतियात से जा रहा हूँ। ये देखें कितना तंग रास्ता है और सिंगल बंदे का रास्ता है। यार मैं आज इस पॉइंट पे मौजूद हूँ यार, इस व्यू को दिखाने के लिए मैं तकरीबन आधा घंटा पैदल चल के आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ये व्यू दिखाना था। यार बहुत ही कमाल का व्यू है, तो मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ, एंजॉय करें यार, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। हाँ तो जी बिल्कुल फ्रेंड, सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है जी मुजफ्फराबाद का PC होटल, इसको भी देख लें। दूसरा मजे की बात आपको बताऊं, ये देखें सामने, आपको ऊपर ये नजर आ रहे होंगे ना, ये सामने सब जो है ना ये पीर चिनासी वाले पहाड़, यार क्या खूबसूरती है यार, अल्लाह की शान है, बहुत ही खूबसूरत जो है ना व्यू आपको नजर आ रहा होगा यार। और एक यार आपको मजे की बात बताऊं, ये व्यू देखने के लिए आपको जो है ना मुजफ्फराबाद से तकरीबन ऊपर 10-15 मिनट आप जो है ना पैदल आना पड़ेगा, यहाँ पे गाड़ी बाइक वगैरह नहीं आ सकते। व्यू बहुत खूबसूरत है और यकीन करें ये व्यू आपको सब व्यू स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं है भाई। सामने देखें ये असम्बली हॉल, ठीक है, ये सारा जो है ना ये सब यार बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। यार व्यू चेक करो यार, कमाल करें, वापस जाने का दिल ही नहीं करता यार। एक छोटा सा काम करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाता रहूंगा यार। ये चेक यार, व्यू चेक करो यार, वापस जाने का दिल ही नहीं करता। तो आप जरूर आए मुजफ्फराबाद, जब भी हैं यार इस पॉइंट पर जरूर आए, आपको बहुत अच्छा जो है ना अब फीलिंग यार आपकी बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा यार यहाँ से जो है ना व्यू मुजफ्फराबाद का, और बहुत ही खूबसूरत यार माशाल्लाह। और वाकई ये देखने के बाद वाकई आप ये कहेंगे कि यार जो है ना ये
कश्मीर जन्नत नज़ीर है, इसके अलावा और भी जो है ना बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये जो थोड़ा करीब तरीन है ना मुजफ़्फ़राबाद, ये देखें, ये चेक करें यार, तो ये बहुत मज़े का जो है ना, तो आप ज़रूर यहाँ पर आए। बस अब मैं भी वापस जा रहा हूँ, छोटा सा आपके लिए मैंने ये एक ब्लॉग बनाया था यार, इसको ज़रूर ट्राई करें, आप लाजमी यहाँ पर आएँ, ठीक है? तो अभी मैं निकलता हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।